रिजवान अहमद। सर, मैं ब्राह्मण परिवार से था, मैंने इस्लाम कबूल किया है और किसमें थे? ब्राह्मण परिवार से था मैं, ओके, कब इस्लाम कबूल किया आपने? लगभग 2 से 3 महीने पहले। 2 से 3 महीने पहले आपने इस्लाम कबूल किया, ब्राह्मण परिवार से थे आप, जी, तो वैसे वो जो तो आठ ब्राह्मण महीने से परिवार है। जी, वैसे सात आठ जी महीने लगभग साल भर हो गए। मैं इस विषय में कंफ्यूज था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था, फिर आखिरकार मैंने कबूल किया कि हाँ मैं इस्लाम में आ रहा हूँ। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ, आप लोगों की डिबेट जब से सुनी है, आपकी बातें सुनी है, तो मुझे अच्छा, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन सबसे हो रहा पहले है। ये बताएं रिजवान अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या वो एक रिलीजियस फैमिली थी? जी बेशक, मेरे पिताजी जो थे वो ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण ही था। क्या आप लोग ऐसा फॉलो करते थे जो रिलीजियस में आपको कह सकता हूं? एक तरीके से जो कुछ भी फॉलो किया जाता था, मेरे माता पिता या हमारे पूर्वज जो फॉलो करते आ रहे थे, उसी को मंदिर हमने मंदिर बचपन जाते थे? में, हाँ जाते थे बचपन में, बिल्कुल जाते थे। हाँ, कोई मंत्र विंत्र सुना सकते हैं हमें? सुनाइए गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र हमें याद है। मैं चर्चा को गायत्री लिया, मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद तो नहीं है, क्या गोत्र क्या था आपका? हमारा गर्ग गोत्र था, कौन सा? गर्ग गोत्र, सार्जुपारी ब्राह्मण थे हम। भाई जितने लोग सुन रहे हैं ये सही बताए क्या भाई ने? क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, या तो अमित ही कंफर्म कर सकता है। बेशक बेशक, अच्छा, आप एक पूछ सकते कंफर्मेशन मेरे को मिल गया है। अच्छा, भाई ये बताओ कि आप ठीक है, कुलदेव कौन है आपके? कुलदेव जी। कौन थे आपके? कुलदेव, दैट्स मीन हमारे में तो कई लोगों की पूजा होती थी, शंकर ये जी भी देखना जी, की। कुल कुल देवता कौन थे आपके? कुल देवता, दैट्स मीन मतलब कुल देवता क्या मतलब? कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो आपका कोई देवियां तो बहुत हैं, देवियां तो बहुत हैं, नवरात्र में माता जी व्रत रहती थी, उसको भी पता है। नहीं, कुल देवी आपको पता नहीं है? देखिए, यही सबसे बड़ा वैसे प्रॉब्लम है रिजवान भाई। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो रिलीजियस या उनको आइडिया नहीं होता है, जी हो सकता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अपने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं। अपने स्कॉलर्स के, थोड़ा म्यूट कर ले, जब मेरा बोल के हो जाएगा मैं आपको बोलूंगा तब आप बोलेगा, क्योंकि आपके माइक से आवाज आ रही है। वेट, अभी भी आ रही है? अच्छा, मैं कुछ बोलता हूँ फिर समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ने कभी अपने धर्म को आपने सही से पढ़ा नहीं, और दूसरे की बात में आप लोग आ जाते हैं। अगर आप अपने धर्म को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते या समझ लेते तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक, अगर जिसको सारी चीजें पता है, मैं म्यूट करता हूं आप लोगों को, जिसको सारी चीजें पता है और वो छोड़ रहा है, तो एक अलग मसला है कि भाई सोच समझ के पढ़ के उसके बाद उसने छोड़ा तो समझ में आता है। आपने कुछ पढ़ा शढ़ा है ही नहीं अपने धर्म के बारे में, देखा नहीं कि भाई हमारा धर्म अगर कोई चीज कहता है तो क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता है, वो सब देखा नहीं। आप लोग आ गए दूसरे की बात में। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, तो हम एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने अभी एक मोमिना जो आई थी, मैंने कहा कि सिर्फ आप नाम के, हो सकता है कि आप सिर्फ मुसलमान घराने में सिर्फ पैदा हुए थे, आप मुसलमान थी नहीं। उसी तरीके से मैं आपके लिए भी कहूंगा कि आप सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, आप ब्राह्मण नहीं थे, ना आप सनातनी थे ना हिंदू थे। ठीक है, तो हम आपको कंसिडर वो नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया था? जी, मैं बोल सकता हूँ जी, जी, इस्लाम क्यों कबूल किया था आपने? इस्लाम कबूल करने की सबसे मौलिक वजह ये रही कि जब मैं हिंदू रिलीजन को मानता था, मैंने उसमें काफी रिसर्च किया कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो बहुईश्वरवाद था, तो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि मतलब अगर इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, आखिर ये क्या है, तो पुरातन आपने कोई संस्कृतों हिंदू को नहीं गलत स्कॉलर, नहीं कहा। हिंदू हिंदू स्कॉलर के पास जाके ये सवाल आपने अपना रखा था कि भाई हम बहु ईश्वरवाद क्यों है, क्यों हम मानते हैं, आपने रखा था ये सवाल? हाँ बेशक, कई सवाल मैंने खड़े किए और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने ये सवाल भी किया कि जिस मिट्टी को जमीन में पड़ी होती है, उस मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं, जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं भगा सकती, उसकी पूजा का क्या मूल्य है? और ओके, ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। राम के विषय में भी उन्होंने कहा, या हमने प्रश्न किया, कृष्ण के विषय में भी प्रश्न किया, साधारण मानव जन थे और इनकी पूजा की जा रही है, इन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा आपने है। वेदा पढ़ा? सनातन धर्म को जितना गहरे से मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं जान पाया हूँ सनातन धर्म को, मैंने ये देखा कि हाँ इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लूपहोल्स हैं। आपने वेदा पढ़ा था?
वेदा तो पढ़ना किसी के बस में बात है नहीं, बल्कि हाँ श्रीमद भगवद गीता मैंने पढ़ी थी अच्छा, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी आपने, वेदा नहीं पढ़ा आपने? जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है मैं वो उसमें अभी और टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आप पहले हिंदू थे या वो थे, वो छोड़ दीजिए भाई आपने। हिंदू तो नहीं है, हाँ सहल भाई हिंदू तो फॉर श्योर नहीं है। आप इनको इस्लाम में ये क्यों निकलना चाह रहे हैं, या इस्लाम में क्या गलत थी वहीं पर हाँ लेकर? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए रिजवान अहमद साहब कि आप इस्लाम में एक ईश्वरवाद की वजह से आए, राइट? जी अच्छा, कितना कितना 7-8 महीना हो गया आपको? हाँ, 7-8 महीना से थोड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं मुझे, हिंदी अच्छा, में अरबी नमाज कुरान वमाज हिंदी पढ़ते में थे आप पढ़ू, ये 7-8 महीने से? नहीं नहीं नमाज वगैरह भी अरबी आती नहीं है मुझे, तो ये नमाज तो पढ़ते थे या मालूम नहीं है पढ़ते थे? जी। नहीं नमाज में नहीं पढ़ता था 7-8 महीने से आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप नमाज ना नहीं ना, पढ़ रहे? 7-8 महीने लगे हैं इस्लाम को समझने में, इस्लाम क्या है। ओके कुरान शरीफ ओके अनुवादित कुरान मेरे पास हिंदी में थी, उसे मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि शायद इसमें वो चीजें हैं जो चीजें लगभग सर्टिफिकेशन देती हैं कि चीजें हाँ सही हैं, एक ईश्वरवाद की अभिकल्पना ये सही है कि हाँ एक आपने ईश्वरवाद पूरा सही है। कुरान पूरी पढ़ा? कुरान मैंने हिंदी में पढ़ी है, रटी हुई तो नहीं है लेकिन लगभग ठीक ठाक पढ़ी है। कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है, वहां पे मुझे क्वेश्चनिंग कोई थे कि सूरह मैं इरा मतलब आता है आपको? अब अरबी में तो नहीं आता, हिंदी में बोल सकता हूँ जी। तो मतलब आप नमाजें भी नहीं पढ़ते, नहीं नमाज नहीं पढ़ता तो किस तरीके के फिर मुसलमान बने आप? क्योंकि आपको पता मुसलमान। है इस्लाम में, अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपको कुरान और फिर हदीस, आप जिस कुरान को पढ़े होंगे जो भी अरबी इसमें हिंदी में, उसमें तो ये लिखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, दीन जी में मैं पूरे के धीरे पूरे दाखिल हो जाओ। धीरे कोशिश कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या सूरह फातिहा कुछ दिन पहले को ट्राई कर रहा था रटने का, वो किसी मेमोरी आ ऑर्गेनाइजेशन रहा से आप जुड़े थे जब आप इस्लाम आपने कबूल है। नहीं नहीं किया? किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब रूम लेकर रहते थे तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे बातें इस्लाम होती के बारे रहती। में कैसे पता चला फिर आपको? इस्लाम के बारे में मैं जहाँ रूम लेकर रहता था वो के उनके मतलब रूम के ओनर थे वो, इस मुस्लिम थे, और उनसे डिबेट होती रहती थी काफी, हिंदू धर्म पे चर्चा और मुस्लिम धर्म पे चर्चा होती थी, तो काफी ऐसे सवाल थे जो मैं स्वयं बहुत दिनों से पूछ रहा था और जिसके जवाब मैं नहीं पा रहा था। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दे सका, और उनके जरिए उन्होंने जो कुछ कहा तो उसमें मुझे वो चीजें लगी कि हाँ चीजें सही हैं यहाँ, तो मैं उस तरफ आया। हिंदी में अनुदित कुरान उन्होंने मुझे दी और कहा एक तो बार पढ़ 3 महीने लो, में, जबरदस्ती नहीं। 7 महीने में आपने पूरा कुरान पढ़ लिया? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने जो समझा उसमें से, और मुझे लगा कि हाँ चीजें सही हैं, उन्होंने समझाया भी थोड़ा बहुत कुरान को। क्या सही है? अच्छा, उसमें एक ईश्वरवाद की बात कही गई कि हाँ एक ईश्वर की बात समझ में आती है कि दो हाँ अगर ईश्वर क्यों तू नहीं हो सकते रिजवान साहब? देखिए, दो की बात तब हो जाएगी कि जब आप दो करेंगे तो इसका मतलब उसको बनाने वाले निर्मित हो जाएगा। आप एक कहते हैं फिर दो कहते हैं, फिर तो संख्या खत्म नहीं होगी ना, आप हाँ, कहते हैं तो तो मैं वही समय बोल रहा हूं, होता एक हो या अनेक हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? है। मैं ये कहता हूँ ये सृष्टि है और सृष्टा है, ये दो बातें हैं। मैंने सनातन में ये नहीं पाया कि एक ईश्वरवाद सनातन में नहीं है, उसमें नहीं निराकार नहीं ब्रह्म की रिजवान भी पूजा होती है, मैं नहीं कहता भाई, हूँ। रिजवान जी भाई, रिजवान भाई, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहु ईश्वरवाद का, जी बहुत सर सारे ईश्वर का। मुझे बताओ कि एक ईश्वर ही क्यों सही और अनेक क्यों नहीं सही? इसका इसकी वजह बताओ कि ये क्यों आपको एक लॉजिकल लग रहा है और बाकी इलॉजिकल लग रहा यही तो कंफ्यूजन है, है, अनेक मुझे क्यों नहीं समझ नहीं आ बताए? रहा कि सही कहाँ है, हाँ, यही तो कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब आप लोगों की डिबेट्स में एक बात कंफ्यूजन मैंने था सुनी, तो भाई आपने फिर इस्लाम को कबूल क्यों किया फिर? ये तो आप कंफ्यूजन रहता तो ठीक होता, देखिए मैं आपने छुई मुई तो नहीं उसको हूँ, गलत लीजिए मान मेरा लिया। सुनिए जनाब, मैं छुई मुई नहीं हूँ कि किसी इंसान के छू लेने से मुरझा गया। इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हो ही गया, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो ही गया, मैं सच ढूंढ रहा हूँ और मैं ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी में हूँ। फिलहाल फिर आपको क्या ऐसा लगा हमारी स्ट्रीम्स देख के कि आप अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए? एक दो सवाल मैंने उनसे पूछे, जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन जिनसे मुझे मिला था उनसे दो तीन सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं दे सके। एक क्या ये सवाल सवाल पूछा पूछा? कि जब हजरत आयशा का मुझे जब पता चला तो मैं शॉक, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी ये, आखिरी पैगंबर है, इन सब बातों का जिक्र किया, कल्कि के अवतार, मैंने उनकी जाकिर नाइक की काफी मैंने स्पीच सुनी और उससे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो अच्छा तर्क दे सकते थे। उसके बाद मुझे लगा कि इस्लाम कुछ अलग है, एक बार जानते हैं इसको। और फिर उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कादरी हैं और मैं कादरी हूँ नहीं, मैं तो ब्राह्मण से परिवार से था तो उन्होंने कादरी नाम दे ही दिया मेरा, और कादरी नाम से अपना रखो और अपनी खतना फैमिली भी में करा अपनी लिया कोई आपने जरूरत। अभी? जी आपने अपनी खतना भी करा ली या अभी पेंडिंग है? मेरी उम्र 24 से 25 साल है सर, खतना कहाँ से होगी।
चलो ये तो बच गया, आप खतना नहीं हो पाई आपकी। मतलब तो इस उम्र में खतना कर लिया। एक जो अभी जो बुनियादी आपका सवाल था, तो उसमें तो अभी आपको कंफ्यूजन में आप आ गए कि एक भी हो जी जी सकता है मैंने नहीं भी हो सवाल सकता। किया था, जी उनसे एक ही सवाल किया कि जब मैं जानता ही नहीं था, और फिर बाद में मैंने जाना आप लोगों से डिबेट सुनी, तो मैं भी चौंका कि एक 55 साल की उम्र का इंसान, जिसे मैं मानता हूँ अपना, जिसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है इस्लाम को फॉलो करने वाली, एक 55 साल का उम्र का इंसान जो ब्रह्म का गंध ज्ञान जान गया हो, जिसे ब्रह्म रस उतर आया हो जिसके भीतर, उस संसार के दोतकों के पीछे क्यों दौड़ेगा? एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना, उससे फिजिकल होना, मतलब क्या है? सांसारिक सुखों में जिसे रस मिलता हो, उसे ब्रह्म का रस कैसे मिल जाए? और क्या ज्ञान बात है, होने से, ज्ञान होना और ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ा फर्क है। ज्ञानी तो रावण भी था लेकिन पापी था। तो ज्ञान से इंसान के सत्व के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो इंसान संसार के रसों में ही अभी फंसा है, जिसे संसार के हाड़ मांस की चीजों में रस आता है, वो ब्रह्म के रस को कैसे जान सका? और जिसने ब्रह्म के जबरदस्त। रस को जान लिया, वो संसार की चीजों में क्यों फंसेगा? तो इस तो प्रश्न का अभी जवाब फिर मुझे आपका नहीं क्या करना। स्टैंड है? आप इस्लाम जो अपनाए थे, क्या आप छोड़ रहे हैं उसको और फिर से सत्य यही तलाश तो, कर यही रहे हैं तो आप? सब यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। अब इस जगह कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया जब मैंने सवाल किया कि ये चीजें सही हैं। कि पहली बात तो ये जायज ही नहीं है कि दुनिया के 55 साल का उम्र का इंसान, ये पहले ही जगह मुझे ठोकर लगी जब मैंने हजरत ऐसा, और तो जगह ठोकर नहीं, पहले जगह ठोकर लगी कि जिसको फॉलो मैं कर रहा हूँ, जो आदर्श है मेरा, वो स्वयं इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो मैं आदर्श क्यों मांगू उसे? सही। जाहिर सी बात है। और ज्ञान का क्या है? तर्क तो किसी हर किसी के पास हो सकता है। चिन्मयानंद स्वामी जी ये थे जो भाग के कैलाशपुरी अपना बसा रहे हैं, उनकी आप डिबेट कभी सुनिए, वो जो चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी नजर आते हैं, तो शिव का अवतार कहते थे खुद को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल खड़ा करना जायज है कि नहीं जायज, प्रश्न करना तो जबरदस्त। आवश्यक है। तो रिजवान भाई, जी आपसे चूंकि अभी आप डाउट में मैंने आ सुनिए, रहे मैंने ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे छोटा सा रीजन था, उसमें ही मैंने पढ़ा था रामायण में कि राम ने एक सम्बूक वध की कहानी मैंने जब सुनी, कि एक शूद्र की हत्या की गई थी राम के द्वारा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर राम, जिसको समाज आदर्श मानता है, और वो व्यक्ति अगर हत्या करता है, तो मेरे नजरिए से वो सही नहीं था। मैं समझता था कि वर्ण व्यवस्था क्या है? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर जिसको हम, जहां तक मैंने सनातन को समझा, अच्छा सृष्टि की रिजवान रचना। भाई, जी रिजवान जी भाई, रिजवान भाई, आपने हिंदू धर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। आपको इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, और एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा, और चैनल आप देखते रहिए, आपको बाकी भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको उसमें नजर आएंगे जिसको आप नहीं, फॉलो बाकी करने की और कोशिश चीजों के करें। लिए नहीं, मैं और चीजों को तो कहा गया मैं मानता हूँ, चलो कुछ भी है, लेकिन ये जो सीधा सा तर्क था हजरत आयशा हो का, गया हो गया, अभी इसको ध्यान रिपीट निकाल करोगे तो रहे मतलब नहीं है नहीं, रिजवान उम्र भाई। का जो अंतर था, ये तो बहुत चौंका हाँ दिया मुझे, आपने वो बिल्कुल रिजवान भाई, सच्ची में आपने वो डाल चीज बोल बोल दी है, बार बार रिपीट दिया। करोगे तो मतलब नहीं है। आप जिस रिलीजन को आपने अपनाया वो, उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे आप निकलिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई कहाँ है, कहीं नहीं मिल ढूंढिए रहा। ढूंढिए ढूंढिए, आपको बनी बनाई चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, खास करके जो धर्म होता है या आइडियोलॉजी होती है या रिलीजन होता है या कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो एकदम 110% सही है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बैठ के ये बना बनाया नहीं दे सकते कि भाई ये आप फॉलो करो अभी। हाँ, हम जहां से निकले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज, छोटा सा सवाल और है मेरा, मैं ऐसे ही नहीं, एज अ रिलीजन नहीं पूछ रहा, एक सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं ना इस्लाम में पा सका ना अपने में पाता था कभी। अगर इस कायनात को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? और बिल्कुल अगर अल्लाह, जाहिर सी बात है, एग्जिस्टेंस अगर है, तो एग्जिस्टेंस के पीछे जरूर कोई होगा। अगर कोई चीज है, मैं हूं तो मेरे पीछे मेरे माता पिता है। अगर अल्लाह है, किसी ने जाना भी उसको, अगर वो नूर है या कुछ भी है, तो उसके पीछे जरिया क्या है, वसीला क्या है, आया कहाँ से, वो हुजूर में कब बिल्कुल से है, कैसे है, क्या है? कुछ लोग तो सवाल देते हैं, जवाब देते हैं कि हमेशा से है। ये कौन सा जवाब है? ये तो सवाल से भागना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से है तो इस सवाल से भागना हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि वो वजूद में कैसे आया, कैसे पता चला कि वो है?
सही बात है ये। अभी आप अपने पड़ोसी से ये सवाल करिएगा। अब जिन लोगों ने ये पर सवाल किया कि बुत परस्ती को गलत कहा, तो मैंने ये भी सवाल किया कि मक्खी नहीं हटा सकती बुत अपने ऊपर से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ रखता हूँ और उस अल्लाह को मैं चुनौती देता हूँ कि उस कंकड़ को इधर से उधर हिला के दिखा दे, वो नहीं हिलाता तो मैं कैसे उसे सुप्रीम पावर मान दूँ। काश आप अपनाने से पहले अगर ये सवाल अपने जहनों में लाते तो आप ये सवाल आज अब उठ रहे हैं टोपी सर, ये सवाल पहन अब के उठ रहे नहीं, हैं। टोपी अरे हो पहन गया के यार, अपनी फोटो नहीं खिंचाते। रिजवान भाई सुनो मेरी नहीं, बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मैं इसलिए देखिए, मैंने 2-3 बार स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश की और मैं इसीलिए कंफ्यूज था आपसे, सिर्फ एक मैं ये जानना चाहता था कि मैं सच में आपको देख के मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंध में गिरने से बच जाएंगे, जो धार्मिक गंध है, एक धार्मिक गंध, चाहे हिंदू धर्म की गंध हो, चाहे किसी भी रिलीजन की गंध हो, अगर अपने भीतर होती है गीता की आंख से और चाहे कुरान की आंख से अगर दुनिया देखेंगे तो नफरत करेंगे इंसानियत चलिए बहुत शुक्रिया से। रिजवान भाई जुड़ने के लिए।